ओम महागणेशाय नमः। ओम गणपतये नमः। गणपति उवाच एस्ट्रोलॉजी से मैं प्रोफेसर डॉक्टर एके चौबे आप सभी मित्रों का अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मित्रों नमस्कार। मित्रों मैं देखिए उपस्थित हूँ, देखिए फिर विशेष वार्ता करने के लिए, यानी मैं अभी इस समय कुछ राशियों के लिए स्पेशल कंसिडरेशन बता रहा था जो कि वर्तमान ग्रह गोचर की वजह से, उसी श्रृंखला में मैं अब जो बात करूँगा मेष राशि की। पर आपसे निवेदन यह है कि मेष राशि के बारे में मैं जो बताऊं उसको आप देखिए सुने समझें और पूरा का पूरा देखें, और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट में माँ गणेश आय नमः लिखेंगे तो भगवान गणेश का आशीर्वाद जरूर मिलेगा। वैसे ही मेरा प्रोग्राम चंद्र राशि पर आधारित है, लग्न राशि से भी और नाम राशि से भी देख सकते हैं। तो मित्रों देखिए मेष राशि के लिए ग्रह गोचर बड़ा ज़बरदस्त है। बृहस्पति लग्न में बैठे हुए हैं, बृहस्पति गुरु लग्न में बैठ करके पंचम सप्तम नवम तीन भाव को देख रहे हैं, संतान की तरक्की करा रहे हैं, संतान को नई नौकरी, संतान को नया काम, नया व्यापार, सरकारी काम या जो कुछ भी है, शिक्षा के क्षेत्र में लाभ, प्रेम प्रसंग में तरक्की और उसमें लाभ, प्रेम विवाह वगैरह सब देखिए। और सप्तम में दृष्टि पड़ रही है तो दाम्पत्य जीवन भी बहुत अच्छा, और नवम में दृष्टि पड़ रही है तो भाग्य बढ़ता है। बृहस्पति की जो है इस समय जो है मंगल के घर में बैठ करके बहुत ज़बरदस्त देखिए संयोग बन रहा है। और मंगल देखिए मकर राशि में बैठे हुए हैं, मकर राशि से चौथे भाव में बृहस्पति हैं तो मंगल की भी डायरेक्ट चौथी दृष्टि पड़ रही है बृहस्पति के ऊपर। तो मंगल यानी देव गुरु पर सेनापति मंगल दोनों मिलकर के मेष राशि में मंगल की दृष्टि, अपनी राशि को मंगल देख रहे हैं। राशि के स्वामी इससे और क्या अच्छा हो सकता है, राशि के स्वामी खुद देव गुरु पर बैठ करके मदद, दोनों मिल करके धन धान्य लुटाएंगे आपको। और देखिए उसके अलावा मंगल की जो है सातवीं दृष्टि है वो सुख भाव में पड़ रही है तो सारे सुख साधनों की वृद्धि कराएगी। जो भी आप चाहेंगे इस समय, गाड़ी लेना चाहें, गाड़ी मकान लेना चाहें, बंगला लेना चाहें, फ्लैट लेना चाहें, जमीन खेती की जमीन लेना चाहें, सुख साधनों में जो भी आप चाहेंगे सबकी वृद्धि होगी। क्यों मंगल जो है बहुत ज़बरदस्त बैठे हुए हैं अपने दशम भाव में, नौकरी में तरक्की दिला रहे हैं, व्यापार में तरक्की दिला रहे हैं, सुख साधनों में तरक्की दिला रहे हैं, और लग्न को देख रहे हैं तो शरीर को स्वस्थ बना रहे हैं, हेल्थ अच्छी कर रहे हैं, आपकी हेल्थ अच्छी हो रही है, पर्सनलिटी गजब की हो रही है, और देखिए धार्मिक विचारधारा हो रही है। बृहस्पति जो है मंगल दोनों में करके आपका विचारधारा धार्मिक बनाएंगे। और वहाँ से सप्तम पर दृष्टि पड़ेगी मंगल की भी, मंगल की तो सप्तम दृष्टि है चौथे भाव में है, पर बृहस्पति की सप्तम दृष्टि जो दाम्पत्य जीवन पड़ेगी, दाम्पत्य जीवन को मधुर बना रहे हैं। और भाई देखिए मकर राशि में ही देखिए इस समय अब मंगल है, बुध है और शुक्र है, तो मंगल बुध शुक्र जो कि अगले महीने यानी बुध जो है अभी फरवरी के एंड में यानी कुंभ राशि में, कुंभ राशि में सूर्य जा चुके हैं, शनि अस्त हो गए, शनि लाभ भाव में बैठकर लाभ दे रहे थे पर अस्त हो गए, फिर भी नुकसान तो नहीं करेंगे, लाभ तो देंगे देंगे। बृहस्पति को देखिए मंगल भी देख रहे हैं और शनि भी देख रहे हैं तीसरी दृष्टि से, और सूर्य आ गए जब लाभ भाव में, सूर्य लाभ ही लाभ, लाभ क्या होता है, धन ही धन, तो सूर्य धन देंगे, प्रचुर मात्रा में धन मिलेगा आपकी, देखिए जीवन को चमका देंगे। और जब मंगल भी 15 मार्च से वहाँ आ जाएंगे और बुध और शुक्र भी आ जाएंगे तो लाभ भाव में फिर देखिए शनि के साथ सूर्य निकल जाएंगे तो शनि फिर उसी तपस्या आ जाएंगे, और शुक्र और मंगल और बुध सब बैठ के चार चार ग्रह ग्यारहवें भाव में लाभ ही लाभ, यानी का मतलब विभिन्न स्रोतों से धन, नौकरी से धन, व्यापार से धन, शेयर मार्केट से धन, सट्टे से धन, और बड़े भाइयों से धन, सब दोस्तों से, यानी सबसे सपोर्ट मिलेगा आपको। तो मेष राशि को तो मैं स्वर्णिम काल चल रहा है, गोल्डन राशि है, क्योंकि सारी राशियां देखिए सारे ग्रह या तो जो है मकर राशि दसवें भाव में, ग्यारहवें भाव में और फिर बारहवें में, पहले में तो ये भी माला सी बन रही है ग्रहों की, ग्रह माला कहिए आप योग बन रहा है। और बारहवें भाव में राहु विदेश भाव में जो कि विदेश आपको ले जाना चाहते हैं, अगर आपको जरा भी विदेश से कोई संपर्क है तो विदेश जा सकते हैं आप, तैयार रखिए अपना पासपोर्ट वीजा के लिए, विदेश जाएंगे विदेश भूमि से लाभ मिलेगा, विदेश भूमि से आपको देखिए धन मिलेगा,
राहु जो है विदेश भिजवाते हैं, अगर अच्छे काम करेंगे तो आप विदेश यानी घर से बहुत दूर जाएंगे या विदेश की तरह से, तो आप बहुत पैसा कमाएंगे। तो मैं तो समझता हूँ भाई मेष राशि के लिए इस समय जो है देखिए बहुत गजब का, देखिए धन भाव में शुक्र की राशि है वृषभ, और शुक्र खुद मकर राशि में भी है, और फिर लाभ भाव में आएंगे ग्यारहवें भाव में, दसवें में और ग्यारहवें में, दोनों में शुक्र बैठ करके लाभ ही लाभ यानी धनी धन देंगे, तो और शुक्र की राशि वृषभ फिर धन भाव में धनी दुख देगी ना। तो मैं तो समझता हूँ भाई मेष राशि का भी गोल्डन पीरियड चल रहा है, गोल्डन पीरियड सब तरह से, नौकरी से, व्यापार से, पढ़ाई लिखाई से, प्रेम प्रसंगों से, धन धान्य से, सुख साधनों से, यानी कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो कम हो रही हो। पर्सनलिटी गजब की, और दाम्पत्य जीवन में गजब का, क्यों दाम्पत्य जीवन में शुक्र की राशि बैठी हुई है तुला, और शुक्र खुद अच्छे बैठे हुए हैं दसवें में या फिर ग्यारहवें में आ जाएंगे, तो तुला राशि भी बहुत व्यापार में तरक्की देगी और दाम्पत्य जीवन में मिठास देगी। तो मित्रों ये देखिए ये राशि मेष राशि जो है गोल्डन राशि इस समय की, वर्तमान ग्रह गोचर तथा आगामी आने वाले समय में भी मेष राशि स्वर्णिम काल की राशि है। तो मित्रों अभी मैं विराम लेता हूँ, देखिए फिर अगली राशि की चर्चा करूँगा। मित्रों नमस्कार।